नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दो तस्वीर देखिए, एक तस्वीर है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और दूसरी तरफ है मिथिला के दरभंगा एयरपोर्ट की, जहां पर एक तरफ उपेक्षा है, भीड़ है, तो दूसरी तरफ एक भव्यता है, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर बैठने की सुविधा अच्छी है, तो वहीं एक तरफ प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जो उनका गृह राज्य है गुजरात, उस पर वो खास मेहरबान रहते हैं। मुख्यमंत्री थे तब भी और प्रधानमंत्री हैं तब भी, इससे कोई एतराज़ नहीं है कि हर जगह अच्छे एयरपोर्ट्स विकसित होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए, लेकिन सवाल जब भेदभाव का हो, सवाल जब डिस्क्रिमिनेशन का हो कि एक विकसित राज्य और एक विकासशील राज्य, एक पिछड़ा राज्य बिहार का हो, तो बात सामने आती है कि वहाँ पर जो है पक्षपात किया जा रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कुछ ही सालों में बनकर खड़ा हो गया राजकोट में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और दूसरी तरफ उपेक्षा का शिकार दरभंगा एयरपोर्ट, जो उड़ान स्कीम में नंबर वन एयरपोर्ट रहा, कमाऊ एयरपोर्ट है, यहाँ से यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पूरे उत्तर बिहार के लोग इस एयरपोर्ट का जो है वो सुविधा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट कम है, जगह कम है और यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही हैं। तो केंद्र सरकार का जो दोहरा रवैया है बिहार के एयरपोर्ट को लेकर, मिथिला के एयरपोर्ट को लेकर के और बाकी जगहों के एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके डॉक्यूमेंटल सबूत हैं। हम आपको दिखाते हैं कि संसद में ऑन रिकॉर्ड बिहार सरकार या बिहार के एयरपोर्ट्स को लेकर के केंद्र सरकार का क्या रुख है, खास करके जो दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, इन तमाम शहरों के लिए क्या रोड मैप है सरकार का। तो राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह हैं मुंगेर के सांसद, उन्होंने रीजनल एयर सर्विस फॉर बिहार नाम से सवाल पूछा था, 27 जुलाई को ये सवाल पूछा, जिसमें उनका सवाल था कि वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसीव एनी प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर डेवलपमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया एयरपोर्ट। क्या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कोई बिहार सरकार की तरफ से प्रपोजल केंद्र सरकार को मिला है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड एनी प्रपोजल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नालंदा राजगीर, क्या नालंदा राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या कोई प्रपोजल गवर्नमेंट बिहार सरकार से मिला है? इसका जवाब जो आया सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से, उसमें यह था कि डेवलपमेंट ऑफ सिविल न्यू सिविल इनक्लेव एट दरभंगा इज़ बींग टेकन अप बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट द टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ 912 करोड़। यानी ये अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि दरभंगा के सिविल इनक्लेव के लिए उन्होंने जो है सरकार ने पैसे जो है वो तय कर दिए हैं और यहाँ पर नया सिविल इनक्लेव बनेगा 912 करोड़ की अनुमानित लागत से, और 65.65 एकड़ लैंड हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जवाब दिया, ये अच्छी चीज़ थी कि दरभंगा के लिए किया, लेकिन ये अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा, ये भी ऑन रिकॉर्ड समझ लीजिए बात को। इसके अलावा पूर्णिया के लिए भी अच्छी बात ये सामने आई कि सरकार का जो है प्लान है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल इनक्लेव एट पूर्णिया इज़ बीइंग टेकन अप बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट द टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ 424 करोड़। यानी यहाँ पर 424 करोड़ से नया सिविल इनक्लेव पूर्णिया में बनाया जाएगा, ये भी प्लान में है, जबकि दरभंगा में 912 करोड़ का बनेगा। लेकिन जो भागलपुर मुजफ्फरपुर पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा ये भी बता देते हैं। भागलपुर मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया एयरपोर्ट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अनसर्व्ड एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के अनसर्व एयरपोर्ट में इनके लिस्ट में शामिल किया गया है, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड एयरलाइंस सबमिट देयर प्रपोजल टू ऑपरेट रूट्स। जो इंटरेस्टेड एयरलाइंस होती हैं वो प्रपोजल डालती हैं इस रूट्स के लिए फ्रॉम एंड टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स एट द टाइम ऑफ बिडिंग। यानी कि बिडिंग के समय, जब उड़ान की बिडिंग होती है, उस समय वो प्रपोजल डालती हैं कि हमें ये रूट चाहिए। उसके बाद पॉइंट में लिखा गया है कि एन एयरपोर्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन अवॉर्डेड रूट्स ऑफ उड़ान एंड रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन डेवलपमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ डेवलप्ड। यानी कि जो जब ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है, जब ये बिडिंग में जब ये सामने आता है प्रपोजल, उसके बाद ही जो है वो
उसे रीडेवलप किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है, और सरकार इसके लिए जो स्कीम है रिवाइवल ऑफ अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट स्कीम, उसके तहत उसे रिवाइव करती है, उस पर पैसा लगाती है। अगला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि नो प्रपोजल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नालंदा राजगीर हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि नालंदा राजगीर के लिए बिल्कुल ना कर दिया गया है, जबकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो वहाँ पर उड़ान स्कीम में रखा गया है, लेकिन उसका भी भविष्य अधर में है। मुजफ्फरपुर और भागलपुर को लेकर के भी सरकार का नज़रिया स्पष्ट नहीं है, और नालंदा राजगीर के लिए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो जिस तरह से जो राजकोट में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उस तरह से राजगीर में भी बनाने की योजना बिहार सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, और केंद्र सरकार साफ साफ ये कह रही है कि उसे प्रपोजल ही नहीं मिला है बिहार सरकार की तरफ से। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि वो चाहते राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, लेकिन ये काम केंद्र सरकार करेगी। तो प्रपोजल गया नहीं है, या केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि राज्य सरकार झूठ बोल रही है, ये साफ नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल दो राज्यों के साथ फ़र्क का है। गुजरात के साथ आप एक अलग नज़रिया रखते हैं और बिहार के साथ एक आप अलग नज़रिया रखते हैं। वो एयरपोर्ट जो सफलता के नए नए आयाम छू रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, यात्री जो है वो कितना भी किराया हो 80-90% ऑक्यूपेंसी होती है हर फ्लाइट में, अगर एक्सपेंशन होता जल्द से जल्द तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आ सकते थे, यहाँ इसका लाभ ले सकते थे। लेकिन सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में है, या दूसरी जगह आप कर रहे हैं, अंडमान में हो या लद्दाख में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, गुजरात में हो, तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भाजपा या एनडीए की सरकार है वहाँ वहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। लेकिन बिहार में एक तरह से बिहार की जनता के साथ जो है एक तरह से बदला लेने की कार्रवाई हो रही है कि उनकी सरकार नहीं है, और सरकार में थे तब भी यहाँ पर जो है वो लगातार मांग उठती रही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इतनी उठापटक और इतनी खटास है कि ये शायद इस संभवतः मौजूदा परिदृश्य में नहीं लगता कि बिहार या उत्तर बिहार या मिथिला में एयरपोर्ट का विस्तार संभव हो सकेगा, क्योंकि जो तलवारें खींची हुई हैं दोनों तरफ से, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, वो और क्रेडिट का जो खेल चल रहा है, इसीलिए तमाम तरह की परियोजनाएँ या तो ठंडे बस्ते में हैं या स्लो प्रोग्रेस में डाल दी गई हैं, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के लोग। और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स बताती है कि बिहार की परियोजनाओं को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर के केंद्र सरकार का नज़रिया क्या है, और नज़रिया स्पष्ट है, भेदभाव वाला है, दूसरे राज्यों में या अपने जो गृह राज्य हैं उस पर ज़्यादा मेहरबान है। तमाम जगहों पर एयरपोर्ट्स चमकाए जा रहे हैं, उन्हें भव्य बनाया जा रहा है, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सिंधिया अपने जो संसदीय क्षेत्र अपने ग्वालियर इलाके में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सपना देख रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इंदौर और भोपाल से भी बड़ा एयरपोर्ट वो बना रहे हैं ग्वालियर में। तो सब अपने अपने इलाके में या इस तरह की हो रहा है, लेकिन जो उपेक्षित था बिहार पिछले कई दशकों से, वो आज भी उपेक्षित ही है और आज भी विकास की बाट जो रहा। तो एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बिहार से कौन हवाई जहाज़ में यात्रा करेगा, लेबर जोन है, ट्रेन में यात्रा करेंगे, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता ने ये बता दिया है तमाम लोगों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि यहाँ कितनी संभावनाएं हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट में कितनी संभावनाएं हैं, भागलपुर एयरपोर्ट अगर बन जाए वहाँ कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन जो है वो इन संभावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए आज तक ये इस पर काम तेज़ गति से नहीं हो रहा है, और सब कुछ योजना जो है बना करके रख लिया गया है 2024 के चुनाव के लिए। उस समय जब चुनाव होगा तब उद्घाटनों की झड़ी लग सकती है, शिलान्यास की झड़ी लग सकती है। तो इस तरह से अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आता, उम्मीद की राह इसके लिए हो सकता है कि कुछ और महीनों का इंतज़ार करना होगा, और अगले साल संभवतः जो है वो कुछ योजनाएँ देखने को मिल सकती हैं धरातल पर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय बिहार, जय मिथिला।